ओके तो ये 5 मिस्टेक्स आप लोग करते हो जिसकी वजह से आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट्स को हार जाते हो। एंड अगर वही शॉर्ट रेंज फाइट रैंक मैच की होती है देन आपका तगड़ा वाला माइनस लगता है। सो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको 5 मिस्टेक्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ आपको उन मिस्टेक्स को कैसे सुधारना है उसके बारे में भी बताऊंगा। एंड हमेशा की तरह इस वीडियो में एक और बोनस टिप है, तो वीडियो को केयरफुली पूरा वॉच कर लेना। सो वेलकम बैक गाइज, मैं उत्कर्ष और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ओके तो हम बात करने वाले हैं अपने मिस्टेक्स नंबर 1 के बारे में। ओके सो ये वाली मिस्टेक काफी ज्यादा बंदे करते हैं एंड जो बंदे प्रो होते हैं वो बिल्कुल भी ये गलती नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है कि ईयरफोन्स लगाने से क्या होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ईयरफोन लगाने से होता क्या है। तो अगर आप एक अच्छा हेडफोन या फिर ईयरफोन लगाते हो देन आपके पास अगर कोई एनिमी रहेगा तो उसका फुट स्टेप्स का साउंड आपको सुनाई देगा। एंड अगर आपके पास अच्छा ईयरफोन या फिर हेडफोन रहेगा देन आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो एनिमी लेफ्ट में है या फिर राइट में। एंड आप लोग ईयरफोन्स नहीं लगाते हो इस वजह से आपको एनिमी का लोकेशन नहीं पता चलता एंड आप शॉर्ट रेंज में मर जाते हो। सो अब हम बात करने वाले हैं अपने बोनस टिप के बारे में। सो गाइस बोनस टिप बस एक ही चीज देना चाहूंगा कि आपको हमेशा शॉर्ट रेंज में शॉटगन का यूज करना होगा। एंड अगर आप SMG यूज करते हो देन आप शॉटगन पे शिफ्ट हो जाओ क्योंकि शॉटगन सबसे पावरफुल गन होती है शॉर्ट रेंज फाइट के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं अपने मिस्टेक नंबर 4 के बारे में क्योंकि 4 वाला गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ 5th वाला भी। ओके सो 4th नंबर मिस्टेक है हमारा क्विक रश। यस गाइस काफी ज्यादा बंदे ऐसे हैं कि जो भी अगर कोई भी बंदे को शॉर्ट रेंज में देखते हैं देन वो फटाफट से रश करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो यहां तक कि एक भी बार ये नहीं सोचते कि वो मर जाएंगे तो उनका रैंक माइनस हो सकता है। तो इसके लिए गाइज आपको मैं बता दूं कि आपको तुरंत रश नहीं करना है, आपको थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी बनानी होगी एंड उसके बाद ही रश करो जिसकी वजह से आप इजीली किसी भी एनिमी को आसानी से मार पाओगे। तो हम बात करने वाले हैं अपने 5th मिस्टेक्स के बारे में। ओके तो जैसा कि आपको 4th मिस्टेक्स में मैंने बताया कि आपको क्विक रश नहीं करना है। सो इसके साथ साथ आपको एनिमी को स्पॉट करते रहना है। अगर कहीं पे भी एनिमी जा रहा है देन आपको उस पे नज़र बनाए रखनी है जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि एनिमी किधर है एंड आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के किसी भी एनिमी को मार पाओगे। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने मिस्टेक नंबर 3 के बारे में। ओके तो आपने रश भी नहीं किया एंड साथ ही साथ आपने एक अच्छी स्ट्रेटजी भी बना ली है कि कैसे एनिमी को मारना है, बट अगर आपके पास अच्छी लूट नहीं होती है देन आप क्या करोगे। अब यहाँ पे मेरा लूट कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 1000-1500 एमओ होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है 3-4 ग्लू और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वेस्ट और हेलमेट जो कि आपके पास लेवल 3 का होना चाहिए ही चाहिए क्योंकि गाइज अगर आपके सामने वाले बंदे के पास 4 की वेस्ट होगी देन आप मर जाओगे। एंड अगर आपके पास 0 की वेस्ट है मतलब वेस्ट और हेलमेट ही नहीं है एंड सामने वाले के पास 1 का भी वेस्ट होगा देन आप मर सकते हो। सो आपको लूट तो करनी है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको वेस्ट और हेलमेट को देना है। ओके सो अभी हम बात करने वाले हैं अपने 2nd मिस्टेक्स के बारे में। सो गाइज ये वाला मिस्टेक्स मेरे साथ भी कई बार होता है एंड आपके साथ भी होता होगा क्योंकि गाइज अगर आप सोलो में लूट कर रहे होते हो देन आपका पूरा ध्यान लूट पे होता है एंड आप एनिमी पे ध्यान नहीं देते हो जिसकी वजह से आपको लूट करते वक्त एनिमी आके मार जाता है। एंड गाइज लूट करते वक्त ही नहीं आपको हमेशा एनिमी के लिए अलर्ट रहना है एंड आपको हमेशा से अलर्ट रहना है इस बात के लिए कि आपको कोई भी एनिमी आके मार सकता है। तो अगर आप ये सोच के चलते हो कि आपके पास एनिमी है देन आपको अच्छे से लूट भी कर पाओगे एंड अगर कोई एनिमी आएगा देन आप एनिमी से बच पाओगे एंड साथ ही साथ उसको मार भी पाओगे। ओके तो मैंने 5 मिस्टेक्स के बारे में तो बता दिया बट मैंने बोनस टिप्स बताया था उसमें मैंने बताया था कि आपको शॉटगन यूज करना चाहिए। सो गाइस शॉटगन में आपको M10 यूज करना चाहिए एंड नेक्स्ट वीडियो M10 के बारे में ही आने वाली है यानी कि मैं M10 के टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं। सो अगर आपको बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर रैंक मैच की वीडियो देखनी है देन आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो एंड अगर आपको बेस्ट गन कॉम्बिनेशन फॉर रैंक मैच की वीडियो देखनी है देन आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।